तो ये देखिए अपना ताज होटल कितना सुंदर है, और ये पुराना ताज अपना। आपको बहुत से फोटोग्राफर्स मिल जाते हैं जो आपको तुरंत इंस्टेंट फोटो वगैरह खींच के। गेटवे ऑफ इंडिया का एंट्रेंस आता है, और वो जो लेफ्ट में रोड गई है वहाँ पे जो बड़े मियाँ रेस्टोरेंट जो फुटपाथ है इस पे आराम, ये देखिए सामने जा रहा है। तो मैंने भी रेट पता किया, 5 मरीन लाइन्स मुंबई का। कोस्टल रोड भी खुल गई है अभी, जो सामने टनल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी हम खड़े हैं देखिए पीछे ताज होटल, और इस साइड है गेटवे ऑफ इंडिया। तो चलिए मैं आपको यहाँ के नाइट व्यू दिखाता हूँ। मैं और मेरे फ्रेंड असीम और दिनेश मेरे साथ हैं, तो चलिए पूरा एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखिए अपना न्यू ताज है, और आगे से गेटवे ऑफ इंडिया का एंट्रेंस आता है, और वो जो लेफ्ट में रोड गई है वहाँ पे जो बड़े मियाँ रेस्टोरेंट भी है, काफ़ी फेमस जो है, आप अगर आप मुंबई से, आपको पता होगा। तो अगर नॉनवेज अगर ट्राई करना है तो बहुत ही अच्छा वहाँ मिलता है। तो ये देखिए अपना ताज होटल कितना सुंदर है, और ये पुराना ताज अपना होटल देखिए क्या शानदार सीन्स है, ताज होटल। और ये जो ये रोड है इस पे, इधर तो नो पार्किंग एरिया हो जाता है, लेकिन आगे आगे जो रोड है आगे राइट में या सीधे भी, वहाँ आपको पार्किंग 50 रुपीज़ लगता है, पार्क कर सकते हैं। हमने वहीं गाड़ी खड़ी की है। देखिए नाइट व्यू पूरा ताज है, और सामने देखिए समुंदर। रात हो गया, वैसे दिखाता हूँ। ये पूरा देखिए समुंदर, और ये देखिए पीछे गेटवे ऑफ इंडिया और समुंदर। शानदार लगता है यहाँ पे, मौसम भी बहुत अच्छा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन थोड़ी सी कुछ ड्रॉप्स पड़ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए लोग यहाँ बैठ के पूरा एंजॉय करते हैं, चाय वगैरह सब मिल जाती है। तो ये देखिए ऐसे ये जो फुटपाथ है इस पे आराम से आप नाइट लाइफ एंजॉय करिए, लोग बैठे रहते हैं ऐसे। और व्यू देखिए, आपको बहुत से फोटोग्राफर्स मिल जाते हैं जो आपको तुरंत इंस्टेंट फोटो वगैरह खींच के ग्रुप की। और देखिए जैसे भाई खींच रहे हैं, खींच के 50 रुपीज़ में आपको दे देंगे प्रिंट, वो आपके हमेशा यादगार रह जाएगा। तो मतलब सारी खाने पीने का छोटा मोटा चाय वगैरह भी मिलता है, नाइट लाइफ। देखिए अभी रात में 11 बजने वाले हैं, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि रात 11 बज रहे हैं, मुंबई का ही खासियत है। तो देखिए हम भी यहाँ बैठ गए हैं, थोड़ा पुराने ज़माने की जो एंटीक टाइप की व्हीकल्स या घोड़ा गाड़ी कर आप घूमना चाहते हैं इस रोड पे, तो सब अवेलेबल रहता है। रेट पूछता हूँ मैं इनसे। ये देखिए सामने जा रहा है, तो मैंने भी रेट पता किया, 500 कह रहे हैं छोटी राइड का। आगे जो क्लब है वहाँ तक जाते हैं और वापस लाएंगे यहीं पे, और बड़ा राइड का 1000 रुपीज़। ठीक है, आप अगर बाहर से आ रहे हैं तो एक बार लेके इन्जॉय कर सकते हैं, हम तो यहीं के हैं। तो ये देखिए होटल अपना, चलिए आगे दिखाता हूँ आपको। तो मेरे दोनों ही फ्रेंड्स, और ये मेरा फ्रेंड दिल्ली से आया, तो हमने सोचा चलो थोड़ा घूम आते हैं ये अभी यहाँ से देखते हैं, अगर मरीन ड्राइव रहा तो वहाँ भी जाएंगे, तो मज़ा आता है यहाँ पे आप फ्रेंड फैमिली के साथ। यहाँ देखिए मैं बता रहा था, गाड़ी आप पार्क कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, तो आइए यहाँ पे एंजॉय करिए, मज़ा आएगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से चलते हैं, मज़ा आया, इन्जॉय किया हमने फ्रेंड के साथ। चलिए थोड़ा देखते हैं, अगर मरीन ड्राइव पर अभी बैठ सकते हैं तो वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम गेटवे ऑफ इंडिया से मरीन ड्राइव आ गए, देखिए माहौल यहाँ पे रात में 12 बजने के आसपास है, चारों तरफ लोग बैठे रहते हैं एंजॉय करते हैं। ये अपना मरीन लाइंस मुंबई का, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। ये देखिए सामने समुंदर है, लहरें देखिए, और ये पूरा व्यू, इस पर आप आराम से बैठिए एंजॉय करिए। और जो आगे देखिए वो कोस्टल रोड भी खुल गई है अभी, जो सामने टनल है तो ये सीधे वर्ली में निकलता है, तो ये भी कोस्टल 1-2 फेज दोनों खुल गया है। तो अभी काफ़ी आपका टाइम भी बचेगा, जैसे मैं अंधेरी से आया हूँ, हार्डली 15-20 मिनट लगेगा अभी आपको। तो यहाँ लोग वॉक करते हैं सब, और देखिए बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, आप आइए, मज़ा आता है लिटरली, काफ़ी मुंबई में बेस्ट प्लेसेस में एक आएगा। लोग यहाँ पे ऐसे वॉक करने आते हैं अपने पेट्स को भी, देखिए कितने सारे छोटे छोटे पपीज़ हैं, आराम से यहाँ पे आप पेट्स घुमाइए, इस पे प्यारे प्यारे डॉग्स हैं पोमेरियन, आइए एंजॉय करिए बच्चों के साथ, मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, ये ब्लॉग एंड करता हूँ।